रवि आता है मेरे पास और मेरे से आके कहता है, जी मेरी भाभी ऐसी समाज से हैं, मैं आपसे निवेदन करने आया, वो अपनी पूर्ति कर लो अगर उन्हें पैसे की और मलाई खाने की पूर्ति है। 84 की बात करने वालों ने कंडेले के, मैं अधूरा हूं, मुझे कंडेले का साथ चाहिए। और आज नस्ल खत्म हो जाती है अपना प्रतिनिधि तैयार करने के लिए, बनू ना बनू, MLA बनू ना बनू, वो सब भाग्य में जब समय आओगा सब चीजें हो जाएंगी। गांव कंडेला जो हमारी, मैं तो औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जिसे 84 की राजधानी कहता हूँ, ऐसा हमारा बहुत ही पूजनीय गांव। यहाँ पर उपस्थित मास्टर रामपाल जी जो हमारे सतगाम्य के चौधरी भी हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य भाई परवेश जी वार्ड नंबर 9 से, भूरा से चचा मामू हमारे आदरणीय मुखिया जी, चाचा मदन जी, चचा परवेश जी, और सबके नाम क्या लूँ मैं, प्रधान जी बैठे, सभी बैठे, बहुत ही सम्मान के योग्य बुजुर्ग। सर्वप्रथम क्योंकि ये जो गांव है जिस जगह हम खड़े हैं, ये स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी की कर्म स्थली, जन्म स्थली, और मैं कहता हूँ उसको पहचान देने वाले बाबू जी हुकुम सिंह जी थे, उनके चरणों में नमन करता हूँ। और आज आप लोगों के बीच में आया अपने परिवार के बीच में, एक दर्द है, परेशानी है, कल जो भी हुआ, जो 1-1.5 महीने से हो रहा था वो तो अलग चीज़ थी। भाई इसे 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 थोड़ी देर ना, इन्हें थोड़ी देर वैसा कर लो, ये लाइट से भी थोड़ी सी पीछे कर लो, थोड़ा सा ना वो थोड़ी सी लाइट वो कर लो। 1.5 महीने से जो चल रहा है वो आप सबको पता, मैं अपने समाज से पूछ रहा हूँ, 36 बिरादरी से पूछ रहा जी हाथ जोड़ के, मैंने अपनी सामान्य सीट से अपनी सीट का त्याग करके मधु को चुनाव लड़वाया, मेरे से कोई गलती हुई क्या जी? नहीं। मुझे पता, मुझे कोरोना था, मुंह लपेट के अपना डबल मास्क लगा के मैं अकेला गाड़ी में घूमा, और एक ऐसी सीट से जो नामुमकिन सी सीट है, जिसके बहम हो वो जाके लड़ लो, वो सीट हमने मेहनत से, हमारे पिताजी की शर्म लिहाज, उनकी मेहनत, हमारे लोगों के साथ संबंध, उस मेहनत के दम पर हम वो सीट जिता कर लाए, कोई गलती थोड़ा नहीं करी थी। डिंडू खेड़े के हैं, प्रेम जी हैं, चाचा लगे हमारे, डीलर हैं, SC समाज से हैं, लगभग तय हो गया था कि उनकी घरवाली को हम चुनाव लड़वाऊंगे अपनी चाची जी को। रवि आता है मेरे पास और मेरे से आके कहता है, जी मेरी भाभी SC समाज से हैं, तो मुझे लगा भाई दोनों काम हो जाएंगे, हमारे SC समाज का कोटा भी पूरा हो जाएगा और समाज का सम्मान भी रह जाएगा, इसका झंडा बुलंद रहेगा, क्यों ना चुनाव नहीं लड़वा दें। मैंने अपनी सीट का त्याग करा, सामान्य सीट से मधु को जिला पंचायत सदस्य बनाया। जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़े यह सब आपको पता है, मैं मंच से नहीं कहना चाहता। यह चुनाव कैसा है आप सब जानते हैं, घर का घेर हो जाए, झटका झेला था मैंने, 2015 में जो स्थिति थी सब आप लोगों के सामने थी, क्या मेरे साथ हुआ था 2015 में, मुझे रोटी खाने को नहीं दे रही थी जिला पंचायत, भगवान के मंदिर में खड़ा हूँ, समाज में खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलता, 2 रुपये की मौज है, बाबा दादाओं ने इतना दे रखा है, इतना सम्मान, और आप लोगों के प्यार से इतना है कि 2 रोटी सम्मान से अपने घर खा सकता हूँ। लेकिन आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, आप लोगों के क्षेत्र का विकास करने के लिए, आप लोगों का झंडा बुलंद करने के लिए जितनी बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ी वह मुझे पता। ये चुनाव एक नामुमकिन सा चुनाव था, 4 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए थे, जिसमें एक मधु थी, एक आपकी बहू शेफाली थी, 2 तो हम घर के ही हो गए, और 2 सीटें आदरणीय सुरेश राणा जी उनके क्षेत्र की, मैनपाल सैनी जी की घरवाली हैं नीरज सैनी जी, और मामा अरुण सिंह जी, ठाकुर अरुण सिंह जी, ये 2 लोग भारतीय जनता पार्टी से जीत गए। उन 4 से 10 कैसे करे वो मुझे पता, कैसे कैसे वो रात बीती, कैसे कैसे वो 15 दिन हमने चुनाव लड़ा, किसी को उस कीमत का क्या पता। आज ये लोग बैठ के ये कहते हैं, कहने लगे मेरे अधिकारों का हनन हो गया, अरे घर से निकली थी पहली बार सर्टिफिकेट जीत का लेने के लिए निकली थी, सही बात, जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए निकली थी पहली बार जब अपने घर से निकली, दूसरी बार जिला पंचायत अध्यक्ष का पर्चा भरने के लिए निकली, और जिला पंचायत अध्यक्ष सुबह पर्चा भरा और शाम को अध्यक्ष बन के मधु गुजर अपने घर गई।
आज सब चीज़ें भूल गए। चलो मैं एक महीने तक, मुझे समाज के सब जिम्मेवार लोगों ने कहा, मास्टर जी बैठे चाहे और तमाम हमारे जिम्मेवार लोग बैठे, उन्होंने कहा कि धैर्य से काम लो भाई, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं कुर्तान गया, कुर्तान से कुछ लोग बुलाए, कुर्तान तो नहीं गया मैं, मैंने वहाँ से जिम्मेवार लोग जो परिवार के थे, चाहे हमारे पटवारी जी हैं, बुज़ुर्ग हैं, रिटायर्ड पटवारी हैं, उस परिवार के जिम्मेवार हैं, चाचा रमेश हैं, वो सब लोग आए, चाचा देवी हैं, उन लोगों को बुलाया, उनसे बैठ के बात हुई। उन्होंने कहा भाई हमें थोड़ा टाइम दे दे, तेरे से 5 साल का वादा कर रखा, 5 साल का पूरा पढ़वाऊँगे तेरा, लेकिन तू कुछ करियो ना। मैं आपसे पूछ रहा, क्या मैंने कोई करा कुछ? मैं चुपचाप अपने घर बैठा रहा, और शायद कहीं ना कहीं पूरा का पूरा समाज, हमसे जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी बिरादरी किसी भी धर्म का था, वो कहीं ना कहीं गर्दन झुकाए, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, गिलानी में था कि पता नहीं क्या हुआ, सब लोग कमजोरी महसूस कर रहे थे। 10 दिन मैं चुप रहा, 10 दिन के बाद कहा जाता है कि वो अपने भाग्य से जीती, 10 दिन के बाद कहा जाता है कि वो किस्मत की धनी थी इसलिए जीत के आई। मेरे से रुका नहीं गया, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट सी बात है जी, साफ सुथरी बात करता हूं, जो सही होगी सही की लड़ाई लड़ता हूं, दबाव किसी का मानता नहीं। और जब समाज ने मुझे रोक तो दिया, लेकिन सीधी सी बात है भाई, राहुल द्रविड़ को ये कहोगे सहवाग बन जा, और सहवाग को कहोगे राहुल द्रविड़ बन जा, तो भाई ना सहवाग रहने का ना द्रविड़ रहने का। मेरी शैली तो आक्रामक है, सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरे खून में है, मैंने दबना सीखा नहीं। मेरे समाज के ऊपर अत्याचार होगा, आप लोगों की बात दबाई जाएगी, तो मैं उसे उठाऊंगा। मुझे बुरा लगा, मैं अपने सभी 12 सदस्य को, जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, कुछ तो बात होगी कि जब चुनाव हुआ तो 9 सदस्य हमारे साथ थे, 10वीं मधु थी, आज मधु चली गई, आज हमारे पास 9 के 12 सदस्य हो गए, कुछ तो बात हुई होगी। मैं पूछता हूं इन चंद 4-5 लोगों से, ये कुछ तो बात होगी कि सिर्फ बुराई तुम्हें ही दिखाई दे रही? जिला पंचायत जो बोर्ड चला रहा है वो अपनी आस्था माननीय वीरेंद्र सिंह जी में दिखा रहा है, सुरेश राणा जी में दिखा रहा है, अपने सदस्यों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, मनीष चौहान के ऊपर भरोसा कर रहा है, आपको ऐसी कौन सी कमी मेरे में दिखाई दे रही भाई? और मैं आपसे कहता हूं, मेरी लड़ाई जिला पंचायत की नहीं है, मेरी लड़ाई आपके सम्मान की है, मेरी लड़ाई इस क्षेत्र के विकास की है, उन लोगों की लड़ाई मलाई खाने की है। उन लोगों की बात करते हैं वो, किस कौन से अधिकार की बात करते हैं? वो पैसों की बात करते हैं भाई, यही तो है, पैसा ही तो चाहिए उन लोगों को। मैंने कहा समाज के 10-20 लोग जिम्मेवार बैठे, उन्होंने कहा भाई हम वार्ता करेंगे, हमने कहा जी आपकी छूट है। घेर पे इकट्ठे हुए, फार्म हाउस पे सब लोग आए, आप में से भी बहुत लोग थे, बाबा जी भी थे वहां, बाबा जी आप लोग थे वहां, प्रधान जी यार सब लोग थे। मैंने क्या कहा, मैंने पूरी बिरादरी के सामने, पूरे समाज के सामने एक बात कही कि जी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा, वो अपनी पूर्ति कर लो अगर उन्हें पैसे की और मलाई खाने की पूर्ति है, लेकिन सम्मान की दृष्टि से समझौता नहीं होने का, सम्मान में समझौता नहीं मैं करने का। चलो जी बात चलती रही, जब परेशान हो गए फिर इस 84 की पंचायत का आह्वान किया, अकेले ने मैंने नहीं बुलाई, समाज के लोग इकट्ठा हो गए, 50-100 आदमी इकट्ठा हो गए आए, सभी सम्मानित प्रधान थे, अमित प्रधान जी आप लोग भी शायद पूरी टीम के साथ वहां थे, सभी प्रधान हमारी चारों पट्टी के भी, क्योंकि कुछ भी अगर 84 में होगा तो बिना कंडेल्ले की मर्जी के नहीं होगा, जो हम भी जाने कि कंडेल्ले का उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, कंडेल्ले से पूछा जाएगा। हमने आप लोगों से पूछा, बाबा जी हर सब थे, हमने कहा जी क्या करना चाहिए, पंचायत की बात आई, हमने कहा भाई पहले चौधरी साहब के पास जाओ, वो सब लोग इकट्ठा होकर चौधरी साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हम लोग एक पंचायत करना चाह रहे, चौधरी साहब ने अगर अपनी स्वीकृति ना दी हो हम आज ही पंचायत वापस ले लेंगे, हमारी गलती बताओ क्या है, क्या 84 में से भी निकाल दिया हमें कल, हम 84 का हिस्सा नहीं है। देखो जी हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सब मेरे सम्मानित हैं, पर 84 किसी एक की जागीर नहीं है जी, वो हम सब की है, किसी एक के कहने पे फैसला नहीं होने का, फैसला आप लोगों को करना। आज अपने समाज के बीच में, आप लोगों के बीच में अपना दर्द लेके आया हूं, ये लड़ाई जिला पंचायत की नहीं रही, तय कर लो कि आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा आगे, ये लड़ाई है। आज दिक्कत क्या है, मैं पूछता हूं, बाबूजी जब तक थे, जब तक मंत्री जी बैठे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई,
आप में से 90% लोग ऐसे थे शायद कभी काम के लिए आपको दिसाड़े जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज जो कह रहे कहने लगा 84 की हम जिम्मेवारी ले लेंगे, 84 पे कोई दुख आवेगा हम संभाल लेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं पिछले जब से बाबू जी गुजरे कितनी बड़ी क्षति हमारे समाज को हुई, कितनी बड़ी क्षति इस कैनाल कैराना लोकसभा इसके विधानसभा क्षेत्र को हुई, जितने आप लोग हमारे बैठे बाबू जी के अनुयायी, बाबू जी ने अपना पूरा जीवन आप लोगों के लिए लगाया, बाबू जी के जाने के बाद बाबू जी की कमी को पूरा करने का काम किसने करा ये आप भी जाने। कहने से नहीं हुआ करता कुछ भी, हमने अपना पूरा जिम्मेवारी के साथ, हमें पता है बाबू जी के जाने के बाद जो क्षति हुई वह पूर्ति नहीं हो सकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को शर्मिंदा नहीं होने दिया होगा, आप लोगों की मान सम्मान की कोई बात आई होगी तो छाती चौड़ी करके सबसे पहले आप लोगों के सामने खड़े हुए होंगे आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में आया सिर्फ एक निवेदन करने आया हूं, जो यहां हैं उनसे भी और जो यहां नहीं आ पाए उनसे भी, इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करने आया, मुझे सही सही बता दियो। मैं समाज के बीच में इस पंचायत को करने का मकसद एक है, वो लोग चाहते हैं उन पर वीरेंद्र सिंह जी का कुछ नहीं बिगड़ने का, वीरेंद्र सिंह जी तो वो बरगद का पेड़ हैं जो इन्हें सारों को हिला देंगे लेकिन वो नहीं हिल पाएंगे। लेकिन इनकी लड़ाई क्या है कि यो मनीष चौहान पता नहीं क्या है भाई, यो बिना MP बने बिना MLA बने अपने लोगों के काम कर रहा है, अपने लोगों की लड़ाई लड़ता है, अपनी आवाज बुलंद करके लोगों के सम्मान के लिए खड़ा हो जाता है। इसे दबा दो, इसे कुचल दो, इसे रोक दो, इसके रास्ते बंद कर दो। और भाई क्लियर कह रहा आप लोगों से, साफ सुथरी सी बात है, भगवान 10 बार रोक दो मेरे रास्ते, ये समाज 10 बार मेरे रास्ते बंद कर दो, इन नेताओं पर तो मेरा रास्ता बंद नहीं होने का, ना मैं इनसे हार मानने का अपनी केला खड़ा हूं, लेकिन मेरे जो हाथ पैर हैं, मेरा जो हौसला है, मेरी जो हिम्मत है वो आप लोग हैं। आप लोग तय करो मेरी लड़ाई ना चौधरी से, ना मेरी लड़ाई चचा अनिल से, ना मेरी लड़ाई किसी विधायक से, ना मेरी लड़ाई किसी सांसद से, मेरी लड़ाई तो आप लोगों के लिए है। मैं भाई इसी तरह मर्दों की तरह मेरे पे तो लड़ना ही आवे, अगर आप लोगों के सम्मान के साथ कुछ होगा तो मैं तो ऐसे ही लड़ाई लड़ूंगा, मैं अधिकारियों पर चढ़ाई करूंगा। तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम भी करके दिखाओ, तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम भी करके दिखाओ, इन लोगों का भला हो जाएगा। मेरे से तो पूरा नहीं पट रहा, मैं आपसे पूछ रहा जी, मैंने तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आप लोगों को बुलाने आया था, मैंने तो कोई नौता नहीं दिया था जी, जिसकी जरूरत होती है पीड़ित अपने पास अपने आप आते हैं। मुझे लगा मैं कंडेले में आया, पानी भरा हुआ था गांव में, इस जिला पंचायत से शायद अगर मैं बात करूं 3 सालों में सबसे ज़्यादा लाभ हमारे इन चारों पट्टियों को पहुंचा। आप लोगों ने काम तो नहीं मांगे जी, ईमानदारी से बताना, मैं आपसे पूछ रहा जी ईमानदारी से बता दियो, आप लोग कोई मेरे से काम मांगने नहीं आए। मैंने अपने आप देख के सबसे पहले चारों प्रधानों को फ़ोन करा, चारों भूतपूर्व प्रधानों को फ़ोन करा, बाबा जी हर को बुलाया और मैंने ये कहा पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैं आप लोगों के यहाँ पंचायत घर में आया, चौपाल में आया था मैं, मैंने खुद पूरी दोपहरी कट फीता लेकर सड़क नपवाई, आप लोगों के बीच में घूमा, शायद पहला आपके परिवार का कोई सदस्य होगा जो आप लोगों के बीच में आके खुद आपसे कह के गया भाई मेरे बाबाओ मेरे चाचाओ मेरे भाइयों मुझे काम बता दो, मैं क्या कर सकूँ गाँव के विकास के लिए, मैं इस गाँव की गंदगी हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। और मैं गर्व से कह रहा मैंने कंडेले को राजधानी वैसे ही नहीं कहा, मैंने इसको राजधानी बनाने की कोशिश करी, ना करी हो तो बताओ। 15 साल से 20 साल से आ रहा हूं इस गांव में, पानी भरा हुआ था सड़क में, वहां तालाब पे नाला दिया, मेरे कौन सा सिर में दर्द है मेरे, क्यों कर रहा मैं यो काम। मैं चाहता हूं इस 84 के सारे गांव, वो किसी भी जाति के हों, उसमें हमारे कश्यप समाज रहता हो, उसमें हमारे गुजर समाज रहता हो, उसमें हमारे सैनी समाज रहता हो, या मैं कहता हूँ 36 बिरादरी के लोग जो हमारी 84 में आते हैं, मैं इस 84 को ऐसी बना दूँ, कोई तो कहता है मैंने अपनी विधानसभा चमकाई, कोई कहता है मैंने अपना गांव चमकाया, कोई कहता है मैंने अपना वार्ड चमकाया। मैं चाहता हूँ जिस 84 में मुझे पैदा होने का सौभाग्य मिला मैं उस पूरी 84 को चमकाऊँ। इसी सोच के लिए जिला पंचायत लड़ रहा हूँ। जिला पंचायत लड़ना कोई आसान नहीं है, बहुत विपरीत परिस्थितियों में जिला पंचायत लड़ी जाती है शामली जिले की, लेकिन फिर भी आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों के हिम्मत से मुझे हौसला बढ़ा मेरा। कोई चुनाव लड़ता है, मैं तो इतने में
बस मैं क्या कहूँ कुछ बातें, मुझे ये मिलेगा और मुझे वो मिलेगा, मैं अपने घर का नाश करके लड़ता हूँ। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों के बीच में आया, आज मैं यहाँ आया हूँ, कल को आप लोगों पे दबाव भी पड़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा कहा गया पड़ेगा जी। भाई ये पिछले वाले सुन लो, अपनी बात बाद में करियो, पहले सुन लो भाई, बहुत गंभीर बात चल रही है। मैं अपना दर्द लेके आप लोगों के बीच में आया, और मैं ईमानदारी से कह रहा जी, श्याम गढ़ी में भी 6-7 प्रोग्राम थे, सब लोग इकट्ठा हो रखे थे, सबको छोड़ के सिर्फ इसलिए भाग के आया, मैं उन्हें कह के आया, मैं कहा भाई रात तो तुम्हारे पड़ा रहूँगा, लेकिन अभी कंडेल्ले चले जान दो मुझे पहले, क्योंकि बिना कंडेल्ले के, सच्चाई बता रहा जी, भीड़ तो होगी, पंचायत भी होगी, इतने बुरे कर्म नहीं कर रखे, पर जब तक मेरा परिवार पूरा नहीं होने का, बिना कंडेल्ले के मैं अधूरा हूँ, मुझे कंडेल्ले का साथ चाहिए। और आज तय करो जी आप लोग, मैं फिर कह रहा, मेरी कोई लड़ाई किसी से नहीं है, मुझे तो समाज रास्ता दिखा दो भाई, मेरी तो शैली यही है, मेरा तो तरीका यही है राजनीति करने का, मेरा तरीका यही है आप लोगों की सेवा करने का, कड़वा हूं पर दिल का साफ हूं, कभी गलत नहीं करा। और अब आप बता दो, लोग बहुत आवेंगे, समर्थन बहुत होगा, मुझे घर घर घुमाते हो, घर घर घुमा लो, लेकिन सम्मान की लड़ाई है, इसमें मेरा अपमान ना कर दियो, मेरी नाक ना कटवा दियो, मेरे हाथ पैर ना कटवा दियो, क्योंकि समाज में जब हौसला टूट जाए ना जी, मेरे टिकट कटे 10 साल में 7 बार मेरे टिकट कटे जी, सच्चाई बता रहा, 2014 से 2024 तक 7 मौके ऐसे आए जब मैं चुनाव लड़ सकता था या चुनाव जीत सकता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, नहीं मिला, मुझे परवाह नहीं हुई जी, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं हुई। मैं 10-15 दिन के बाद फिर तैयार हो गया, फिर कमर कस ली, मैं कहा नहीं कोई बात नहीं अगला मौका देखेंगे, फिर कटा, फिर मैं कहा कोई बात नहीं अगला मौका, फिर तैयारी शुरू। यार ना तो मेरी तनख्वाह बन रही, ना मेरी कोई पेंशन बन रही, मैं बावला हूँ। आज 84 की बात करने वालों ने हमारी चौपाल में ताला लग गया, मैंने वो घेर तैयार करा, वो घेर मेरा नहीं है, मैं भरे समाज में कह रहा हूँ, मुझे शौक है, मैं हुक्का नहीं पीता, ना मेरे परिवार में कोई हुक्का पीता, लेकिन मैंने वहाँ 36 बिरादरी के लिए हुक्का चालू करवाया। क्यों करवाया? अच्छा लगे मुझे, समाज के लोग आएं, बैठें, वो घेर मेरा नहीं। अब मैं जितने यहाँ लोग बैठे, जब सहारनपुर से पावणे आवे ना, जब बागपत के मेहमान आते हैं काम के लिए, जब आप अपने नेता के पास लेके जाते हो, आप में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो उन्हें ये कहें पावणों को, कहने लगे भाई देख हमारा घेर देख, आधा तो तुम उन्हें घेर घेर में दसा लो, है नहीं ऐसा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही थी ये सब करने की, मेरे पे कोई जिम्मेवारी ऐसी आई नहीं अभी। आप लोग बताओ मेरे पे कौन सी ऐसी जिम्मेवारी है जिसके लिए मैं 24 घंटे आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूं? लेकिन मेरे जुनून है, मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि मुझे क्यों क्यों करवानी, ना मैं राजनीति में इसलिए आया कि मैंने किसी को नहीं कहा, मेरे एक ऐलान पर, एक वाहन पर, एक आवाहन करने पर आप लोग खड़े हो, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है, यो है मेरा सपना, MP बनूं ना बनूं, MLA बनूं ना बनूं, वो सब भाग्य में जब समय आओगा सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन मुझे आप लोगों के दिल पे राज करना, मेरी एक आवाज़ पे आप लोग खड़े हुए, ये चीज़ मुझे चाहिए, इसी चीज़ के लिए बचपन से राजनीति करता है, सेवा करता है। आपसे निवेदन है, मेरा जो फ़र्ज़ था मैंने करा, मुझे आप लोग दिशा दिखाओ, या तो यहाँ मना कर दियो कि भाई हमारे पे काम नहीं चलने का, हम दबाव झेल नहीं पाने के, नस्लें मिट जाएं, नस्ल ख़त्म हो जाती हैं अपना प्रतिनिधि तैयार करने के लिए, आप लोगों के सामने तो मौका है, मैं जब तक लड़ रहा हूँ बिना पद के और बिना टिकट के लड़ रहा हूँ, जब तक आप लोग मेरी ताकत हो, जब तक आप लोग मेरी हिम्मत और मेरा हौसला बढ़ा रहे, जिस दिन भी मुझे ये एहसास हुआ ना कि आज समाज मेरे से हाथ खींच रहा है, तो अगर मैंने हाथ खींच लिया फिर उसके बाद देखियो जगह नहीं मिलने की, ना मुझे ना आपको। आप पे नेता बहुत हो सकें, मिल जाएंगे, काम होगा, कहीं ना कहीं जाओगे, कोई नेता करेगा, एक नहीं करेगा, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा, तीसरा नहीं करेगा, चौथा करेगा, और जब कोई भी नहीं करेगा ना तो बहुत बुरा अनर्थ है, कलयुग आ रहा है, गांधी जी जिंदाबाद, वो गांधी करेगा, सच्चाई है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि नेता के बिना आप लोगों का जीवन अधूरा हो, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ जी, मैं सबसे लड़ लड़ के थक गया और मैं इतना आगे बढ़ गया आप लोगों के भरोसे कि आज आप लोग मेरे से हाथ ना खींच लियो।
सब बैठे जिम्मेवार, यहाँ गांव के चारों पट्टी के लोग बैठे हैं यहाँ पर, मुझे क्लियर बताइयो जी। और मुझे बहुत बढ़िया तरीके से पता है कल को पूरा छापा लगेगा आपके यहाँ, बिजली विभाग का छापा भी ऐसा नहीं लगा होगा जैसा कल को लगेगा आप पे, घर घर लगेगा। सोच समझ के मेरी हाँ भरियो और सोच समझ के मुझे ना कर दियो, मेरा उत्साह ना तोड़ दियो। बस अपने लोगों के बीच में आया, पंचायत तो होगी, भगवान ने चाहा पंचायत बहुत बढ़िया होगी, बहुत ऐतिहासिक होगी, भगवान का आशीर्वाद रहा, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहने की, लेकिन शरीर तो है। अब एक हाथ ना हो, एक उंगली ना हो, नाक ना हो, आँख ना हो, उसके बिना शरीर का श्रृंगार नहीं है, ना शरीर की सुंदरता है। आप मेरे शरीर का हिस्सा हो। पूरी 84 में पंचायत होगी, हर गांव से आदमी आवेंगे, आदमी यहाँ से भी आवेंगे, लेकिन अगर पूरा शरीर चाहते हो, ये चाहो कि पूरी मजबूती से वहाँ पे जलवा कायम हो आप लोगों का, आज कहा जा रहा है ना, आप लोगों को तय करना। अभी हमारे बाबा जी बैठे बहुत अच्छी बात कह रहे थे भाई, बाबू जी के जाने के बाद आज हमारे पास वीरेंद्र सिंह जी तो हैं, कितना बड़ा सम्मान, कितना बड़ा नाम है। अरे मेरी तो किस्मत है, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से कर्म करे होंगे, मैं उनका पैदा हुआ, मैं मुझे आज वीरेंद्र सिंह जी का बेटा होने का सौभाग्य मिला, पता नहीं कोई पिछले जन्म के मेरे अच्छे कर्म होंगे। और आज मेरे पे हर एक मिनट दबाव है, हर व्यक्ति मेरे अंदर झांक के यही देखे कि ये वीरेंद्र सिंह का लड़का है, इसमें 10% 20% कुछ ना कुछ तो गुण होंगे अपने बाप के। और मैं उसी दबाव में दबता दबता, मैं तो एक दिन कह रहा था मंत्री जी को भी, मैंने कहा जी आप बरगद के ऐसे पेड़ हो जैसे बरगद के पेड़ के नीचे कोई आम का मलियाबादी या कोई भी चौसा या सहारनपुर तक लाके कोई पेड़ लगा दो और वो फल नहीं देता ना, तो मेरा भी वही हाल हो रहा। मैं वीरेंद्र सिंह जी इतने बड़े बरगद हैं कि उनके नीचे मैं भी निकल नहीं पा रहा, लेकिन सीखने को मुझे इतना कुछ मिल रहा है कि अगर आज मैं बिना किसी पद के अपने लोगों के काम करवा पा रहा हूँ, तो शायद वो संस्कार उन्हीं के दिए हुए हैं, वो हिम्मत और वो ताकत, क्योंकि मैं जब से छोटा सा था, मेरी बेशक मैं जब से पैदा हुआ, जब से मेरे पिताजी विधायक हैं, लेकिन मैं सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाला जरूर हूँ, लेकिन मैंने अपना कुआं खुद खोद के पानी पीने का काम करा। मैंने कभी ये एहसास नहीं करा कि मैं बड़े बाप की औलाद हूँ, मैं बड़े नेता की औलाद हूँ और मुझे सब कुछ रूंगे में मिल जाएगा और मुझे सब कुछ दान में मिल जाएगा। नहीं, मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करा होगा आप लोगों की सेवा करके, आप लोगों के बीच में रहकर। तो मेरा तो बस इतना निवेदन है कि भाई परसों की पंचायत है, बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, आप लोग तय कर दो, सारे को मनीष चौहान बनना पड़ेगा, कल को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कल को तय करना पड़ेगा। लोग आपके बीच में आएंगे, आपसे बात करेंगे, मेरे आदरणीय हैं, मेरे सम्मानित हैं, मैं किसी को ना जलील करना चाहता, ना मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी इस लड़ाई में आप लोग खुद को मनीष चौहान बनकर अगर आप लोग खड़े होकर सवाल जवाब करेंगे, पूरी ताकत के साथ भीड़ को निकालने का काम करेंगे, आप लोग यहाँ से 36 बिरादरी यहाँ से निकलने का काम करेगी, तभी मेरा सम्मान बचने का काम होगा। और इसी उपेक्षा के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया और